Hi, how are you? I hope you're doing fine. So let's face another problem of rehabilitation. So this is the question about first of exercise 3.2 of NCERT. Find the solution graphically. 10 students from class 10 took part in the mathematics question. The number of girls who are more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. How many is this question more graphically represented? So, we have 10 students in class 10 to keep mathematics quiz participated. अब देखो क्लास टेन के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स में क्या आएगा कि बॉयज है और गर्ल्स. सबसे पहले मैं नंबर ऑफ बॉयज मिनट्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिनट्स. तो नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है. दैट मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. देन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वाई इज मतलब इक्वल टू, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है. फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर है, चार ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज मिनट्स से चार ज्यादा, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर है नंबर ऑफ बॉयज. ये हमारी होगी सेकेंड क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज सेकंड क्वेश्चन. अब सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन बनाएंगे. तो फर्स्ट के लिए अगर हम सबसे पहले एक्स एक्स को जीरो पुट करते हैं प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स जीरो है तो वाई 10. सेम बेस नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट अगर हम वाई को जीरो पुट करते हैं तो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू, अगर हम माइनस वाई जीरो है तो एक्स का वाई 10. नेक्स्ट अगर हम वाई को 5 पुट करते हैं एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू 5. जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो मेक श्योर कि आप वो वैल्यूज उठाओ जो कि बहुत सिंपल वैल्यूज है. तो कहना कि कोई डेसिमल में फ्रैक्शन ऐसा कोई वैल्यू ना, इसको प्लॉट करने के लिए तो ऐसे वैल्यूज पिक कर लीजिए कि इजीली सब प्लॉट हो जाए. नेक्स्ट ये बनता है किसका ग्राफ, हम नेक्स्ट की सॉल्यूशंस बनाते हैं. अब अगर एक्स जीरो होता है तो वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 4, सो वाई इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट केस में अगर हमारे पास वाई जीरो होता है, y 0 है इज इक्वल टू x प्लस 4, तो ये आ जाएगा, सो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, सो माइनस 4 इज इक्वल टू 6. सो जब सबसे पहले जब हमारा y 0 है, x प्लस 1 है माइनस 4. अब अगर हमारे पास x 1 है, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, सो y इज इक्वल टू 5. सो ये वाला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 का, और ये वाला है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4. इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स इक्वल टू, एक्स इधर गया था, एक्स इक्वल टू 4. सो इसका ग्राफ, सो ये y है, ये y डैश है, तो इसके एक्शन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और वाई
एक्स टेन है वाई जीरो है, एक्स टेन है वाई जीरो है, एक्स फाइव है वाई डिवाइड में टेन फाइव है एक्स हमारे पास है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज है थ्री और नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमारे पास सिक्स है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको उसकी इक्वेशन बनानी है और प्लॉट करते वक्त मेक श्योर कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जो भी आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन उससे जरूर मेंशन करते हैं। सो जीव यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का। इन केस यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज प्लीज डू राइट टू अस, नीचे स्पेस गिवन है प्लीज उसमें लिखिए एंड डू सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।